हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में बता रहा हूँ, फाइल में जाके कंट्रोल एंड एक न्यू शीट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राफिक स्टाइल के बारे में, तो अब हमारा चलता है सिंबल के बारे में। तो जैसे मैंने सिंबल पे क्लिक किया तो ये सिंबल आ गया। जो चीज़ विंडो में जाके हम अंदर से लेके आ रहे हैं, वो चीज़ आप साइड से भी लेके आ सकते हैं कि यहाँ से भी आप सिंबल शो कर सकते हैं। तो सिंबल में हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ बने बनाए सिंबल होते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मैंने इसको उठाया है, यहाँ रखा, ये सिंबल है आपका, इस तरीके से इसका साइज बड़ा करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आता है। इसमें गए ये काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे सिंबल हैं, बस आपको क्या करना है उसको उठा के यहाँ रखना है। इस तरीके से कोई भी सिंबल आप शो कर सकते हैं। तो इस सिंबल से भी कोई भी आप इफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता है कि हम यहाँ सिंबल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो सिंबल पे जाता हूँ तो ये पिक के नीचे ही सिंबल का ऑप्शन है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको मैं एक एक करके यूज़ करके बता रहा हूँ। जब टूल्स चलेंगे, जब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, तो सबसे पहले जैसे कोई सिंबल आपने लिया, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ सेटिंग है कि आपको एक बार में माउस से लेफ्ट क्लिक करने में कितनी कॉपी आपको लेनी है। आप ले सकते हैं सिलेक्ट करके भी, आप इसका मतलब साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे 5 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, इस तरीके से। तो जो स्टाइल यहाँ दे रखे हैं वो स्टाइल यहाँ शो कर रखे हैं, आप यहाँ से इनकी सेटिंग शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है, जैसे ये जैसे मैंने इस तरीके से कॉपी ले रखी है, आप इनको दूर दूर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये मेरे सिंबल पे चलेंगे इस तरीके से। आप यहाँ गए, मैं इनको पास पास में शो कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। अगर किसी एक सिंबल पे मैंने क्लिक कर रखा है, जैसे इस पर क्लिक कर रखा है, तो वो साइज बढ़ जाएगा। आप माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हैं तो ये इस तरीके से बढ़ के शो कर दे रहा है। आप इस तरीके से इसको समूथ मतलब ये आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। रोटेट करने के लिए अपनी इच्छा का कोई भी सिंबल में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जब जैसे मैंने यहाँ इसमें किया कोई भी कलर, आप यहाँ फिल कर रहे हैं तो इस तरीके से वो कलर फिल होके आ रहा है। तो माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए आपको रखना है, या माउस से लेफ्ट क्लिक आप दबाते रहोगे तो इस तरह का कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। इसमें है कि आप कोई भी ऑप्सिटी शो कर सकते हैं, कोई भी ऑप्सिटी दे सकते हैं। तो ये ऑप्सिटी के लिए ऑप्शन है कि हम ऑप्सिटी शो कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक बार, इसकी ऑप्सिटी कम हो जाएगी इस तरीके से। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्सिटी कम हो रही है। तो ये सिंबल के लिए है कि आप सिंबल में कोई भी ऑप्सिटी कम कर सकते हैं। लास्ट वाला जो सिंबल चलेगा जब मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो इसमें हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से सिंबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस तरीके से काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो भी आपको लेने आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ इफेक्ट है, आप ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। किसी का हैप्पी बर्थडे टू यू है, मतलब किसी का बर्थडे है, तो आप इस तरीके से बर्थडे पे इस तरीके से मास्क लगा के किसी पिक्चर में इस तरीके से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज़ करिए। इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग पे क्लिक किया तो इस तरह का फैशन डिजाइनिंग वाला इफेक्ट आ गया। ऐसे सिंबल हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे इस तरीके से तो एक एक सिंबल है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बने बनाए डिज़ाइन है, इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल करना है तो यहाँ जाके सिंबल में जाके हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। जब से डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ कलर फिल किया तो यहाँ स्लेटी कलर शो कर रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ शो कर रहा है तो हम ऊपर से जाके, जैसे मैंने इसमें किया, यहाँ जाके सिलेक्ट मैंने किया RGB कलर, और आप यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो कलर फिल होके आ रहा है। तो कुछ टूल्स हमारे ऐसे हैं जैसे यहाँ से कलर अगर नहीं लेता है तो ऊपर से मैंने कोई कलर पिक किया, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन या इस तरह का कुछ करा तो ये इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो किसी किसी टूल्स किसी किसी सिंबल में ये कि कलर फिल नहीं होंगे, ओनली आपका ब्लैक ही कलर शो करेगा। अब इसमें थोड़ा सा इसने ले लिया है, आप माउस से लेफ्ट क्लिक 2-3 बार और यूज़ करेंगे तो सेम वैसे ही कलर शो कर सकता है। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे तो पाथ हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इसमें। तो ये इस तरीके से आपका, अब इसके बाद हमारा चलता है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से काफ़ी स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंबल था, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि सिंबल हम किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे उसमें मतलब कलर फिल कर सकते हैं, ऑप्सिटी कम कैसे कर सकते हैं, उनको दूर दूर कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका मैंने अभी आपको बताया, जैसे ब्रूस स्टाइल है, ग्राफिक स्टाइल है, सिंबल है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से नया बना सकते हैं। आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।